कन्फेशन टाइम। लॉट ऑफ यू वुड बी लाइक मी, जिनको माइक्रोफोन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब जीरो। मुझे लगता था ये सब एक जैसे ही होते हैं, मतलब अ माइक इज अ माइक, राइट? बट देन दिस टाइनी बटन फेल इनटू माय हैंड्स, द होली लैंड लार्क M2। अब आई हैव रीथॉट एवरीथिंग। दीज लिटिल थिंग्स आर कूलर देन आई थॉट। आई मीन लुक एट दिस, बटन से थोड़ा सा बड़ा हो गए एंड समहाउ इट्स पैक्ड विद सो मच टेक that prompts to make you sound incredible, and it weighs less than 10 grams, I think 9 grams to be exact. Let's break this down. ये चीज़ डिज़ाइन की गई है for people like us, non-audio experts. चलो इसको टेस्ट करने से पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है, और अगर तुम मेरे जैसे हो तो अनबॉक्सिंग इज़ हाफ द फन, राइट? पहली बार प्रेजेंटेशन देखे इसकी तो होली लैंड हैज़ डन ए ग्रेट जॉब। जैसे ही बॉक्स खोलते हैं हमें दिखने को मिलता है एक कॉम्पैक्ट चार्जिंग केस, सुपर मिनिमल एंड फील भी प्रीमियम है इसकी। ये केस सिर्फ माइक्स कैरी करने के लिए नहीं है, इसके पीछे मिलता है आपको एक USB-C पोर्ट जिससे हम दोनों माइक्स एंड रिसीवर को चार्ज भी कर सकते हैं। इट्स गॉट अ लिटिल मैग्नेटिक स्नैप, तो सब इसके अंदर सिक्योरली रहता है। और ये रहे स्टार्स हमारे शो के, दो ट्रांसमीटर एंड एक रिसीवर। लुक हाउ टाइनी दीज आर। हर किसी ट्रांसमीटर का वजन 10 ग्राम से कम है। जब आप इसको क्लिप करते हैं यू वोंट इवन नोटिस इट्स देयर। अब देखते हैं एसेसरीज की तरफ। होली लैंड ने सब कुछ प्रोवाइड किया है जो भी यूज करना पड़ेगा इस माइक के साथ। USB-C केबल मिलता है चार्जिंग के लिए, दो विंडशील्ड मिलते हैं आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए, आई थिंक दे आर ऑल्सो कॉल्ड डेड कैट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दीज आर यूज जब बाहर बहुत हवा चल रही होगी, तो दैट डज नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडियो क्वालिटी। इसके अलावा मिलते हैं आपको दो मैग्नेटिक क्लिप्स एंड दो मैग्नेटिक नेकलेसेस, एंड देर आर ऑल्सो क्लिप्स अटैच टू इट पहले से, बट द अदर क्लिप्स प्रोवाइडेड आर ऑल्सो स्नैप ऑन क्लिप्स, यू कैन पिंच देम एंड अटैच देम टू थिंग्स। एंड ऑफकोर्स एक ERS केबल मिलती है सो यू कैन कनेक्ट द रिसीवर टू द कैमरा। मैंने कॉम्बो वर्जन लिया था जिसमें हमें मिलता है टाइप सी एंड लाइटनिंग टाइप रिसीवर भी। सच में इन्होंने हर किसी चीज़ के बारे में सोचा है। बॉक्स में आपको एक और चीज़ मिलती है जो स्टिकर्स है, ये देख सकते हो आप। दिस यू कैन यूज टू कस्टमाइज योर माइक, मेक इट फन, मेक इट स्लीक, कोट। येलो शर्ट पहनी तो येलो स्टिकर लगा लो, ब्लैक शर्ट पहनी तो ब्लैक स्टिकर लगा लो, एंड इट विल बी इनविजिबल। वन लास्ट थिंग टू मेंशन विल बी द कैरिंग पाउच यू गेट विद द माइक, यू कैन यूज इट टू कैरी ऑल द एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द माइक टू। तो ये सब मिलता है बॉक्स में। अभी देखते हैं हाउ इजीली वी कैन सेट दिस लिटिल गाय अप। सो व्हाट्स द डील विद लॉक M2? पहली बात, ये एक वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है जिसमें यू गेट टू ट्रांसमीटर्स एंड एक रिसीवर। ये मिलता है फोर डिफरेंट कॉम्बोज में। यू कैन गेट इट विद द कैमरा रिसीवर, द टाइप सी रिसीवर एंड द लाइटिंग रिसीवर। और एक कॉम्बो पैक मिलता है जिसमें यू गेट ऑल थ्री रिसीवर्स। इफ़ यू डिसाइड टू गेट द टाइप सी और द लाइटिंग रिसीवर, दैट वोंट सपोर्ट द कैमरा, बट इफ़ यू गेट वन दैट सपोर्ट्स कैमरा, इट ऑल्सो सपोर्ट्स रिकॉर्डिंग वाया USB, सो यू कैन कनेक्ट इट विद योर फोन और योर अदर डिवाइसेज। वन एडवांटेज यू हैव विद द लाइटनिंग एंड द टाइप सी रिसीवर इज यू डोंट नीड टू चार्ज देम, दे आर पावर्ड बाय द USB पोर्ट, यू प्लग देम इनटू। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम कर सकते हैं विद द कैमरा रिसीवर जो हम बाकी दो रिसीवर्स पे नहीं कर सकते मोबाइल रिसीवर्स पे। वन इज जो डायल है इस पे कैमरा रिसीवर पे, हम ऑन द गो एडजस्ट कर सकते हैं तीन लेवल्स पे इसका वॉल्यूम, दैट्स द गेन, कितना लाउड आपकी आवाज़ आएगी तो वो एडजस्ट कर सकते हो आप। फ्री डायल है, हार्ड स्टॉप्स नहीं है इस पे, तो कंटिन्यूसली रोटेट करेगा, बट लाइट से समझ आ जाएगा आपको किस लेवल पे आपकी लाइट है। एक और फीचर जो सिर्फ कैमरा रिसीवर पे अवेलेबल है इज यू कैन स्विच बिटवीन मोनो एंड स्टीरियो। तो उसका मतलब यह है कि अगर आप दोनों माइक्स यूज कर रहे हो एंड फॉर एग्जाम्पल आपने मोनो मोड पे रखा जिससे रिसीवर पे लाइट ग्रीन हो जाती है, तो जो दोनों माइक्स है वो एक ही ट्रैक पे आपका ऑडियो रिकॉर्ड करती है। एंड अगर आप स्टीरियो मोड पे करते हो जब लाइट ब्लू होती है रिसीवर पे, तो उसका मतलब है दो अलग ऑडियो ट्रैक्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक पॉडकास्ट कर रहे हो, एक बंदे को एक माइक लगा के दूसरे बंदे की दूसरी माइक लगा के, जब एक बंदा बात कर रहा है तो आप दूसरे बंदे का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। तो आपको दोनों माइक्स के वॉल्यूम से अलग अलग कंट्रोल रहता है, अलग अलग से आप क्लिप कर सकते हो ऑडियो या बाकी सब चीज़ें, विच इज़ ए वेरी गुड फीचर टू हैव। फिर आती है बात इस चार्जिंग केस की। एक चार्ज में आराम से यू कैन रिकॉर्ड फॉर द होल डे। इस केस के ऊपर LEDs भी है जिससे हम देख सकते हैं कितना चार्ज बचा है अपने पास। एंड गेट दिस, अगर एक माइक की बैटरी खत्म हो जाती है मिड शूट, जस्ट पॉप देम बैक इन द केस फॉर अ क्विक रिचार्ज, प्रॉब्लम सॉल्व। प्लस इट्स ऑल सुपर कॉम्पैक्ट, इजी टू कैरी अराउंड। हर ट्रांसमीटर की बैटरी 10 घंटे की है, द केस चार्ज देम 3 टाइम्स। द रेंज ऑन दिस थिंग इज रिडिकुलस, दे क्लेम अ रेंज अप टू 1,000 feet। This, I'm standing at about, I think, 100 feet away from the camera. It would be around that. I don't know who needs to stay that far. Maybe you do. Maybe that's you. But certainly not me. So how does it sound? Let me know. I know there's going to be interference if there's some object in the background. This is a clear line of sight. So take the test as it is.
So maybe if I turn around, that will cut the audio. I have seen it with other mics, and it might happen with this too. So you need to maintain a line of sight with the camera or audio device you're recording with. Okay, let me know in the comments. Was it good? Was it bad? On to the next test. तो चलो अभी नॉइज कैंसिलेशन टेस्ट कर लेते हैं हम इस माइक की। पहले तो लेट मी टेल यू कैसे ऑन ऑफ होता है इसका नॉइज कैंसिलेशन। तुम देख सकते हो माइक पे एक येलो बटन है। येलो बटन प्रेस करने से इस माइक की लाइट चेंज होती है। ग्रीन का मतलब है कि नॉइज कैंसिलेशन ऑन है, एंड अगर लाइट ब्लू है तो इसका मतलब नॉइज कैंसिलेशन ऑफ है। तो हम अभी आ गए मेरे पीसी के पास। तो ये अच्छी जगह होनी चाहिए इस माइक का नॉइज कैंसिलेशन टेस्ट करने के लिए। अभी ये माइक मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बिट, एंड नॉइज कैंसिलेशन अभी ऑन है। ग्रीन लाइट ऑन है, इसका मतलब नॉइज कैंसिलेशन ऑन है। तो अभी कैसी सुनाई दे रही मेरी आवाज़? नॉइज़ आ रहा है, नहीं आ रहा? तो वो तो मैं अभी चेक ही कर लूँगा थोड़े टाइम में, बट अभी तुम लोग बोलो मुझे इन द कमेंट्स ठीक लग रहा है अभी। इन अ बिट मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ़ कर दूँगा एंड फिर देखते हैं कितनी डिफरेंस है। तो ये बटन है यहाँ पर, तो ये बटन प्रेस करने से हमारा नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ हो जाएगा। तो इफ आई प्रेस दिस, अभी लाइट ब्लू हो गई है, तो अपना नॉइज़ कैंसिलेशन अभी ऑफ हो गया है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्या? अभी मैं बात कर रहा हूँ तुम लोगों से, टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3। मैं थोड़े टाइम ऐसे ही रखता हूँ ये, एंड बस ऑन ऑफ करके देखता हूँ, देखता है कितनी डिफरेंस आती है। We are currently outside and this thing is set to noise cancellation on, and this is, you are hearing my voice. I don't know if I sound good or bad. The traffic is pretty loud, so this should be a good benchmark to test it. But baat kare to I tested it in studio for a bit, to mujhe wahan pe bahut acha laga. Maine pura video record kiya hai noise cancellation on pe, and because I tested a little bit and mujhe laga wo theek hai. To main iski sound quality test kar raha tha, even this was recording with this mic jo ye video hai. And it has been better than I expected. मैं कोई professional albums record नहीं कर रहा, but for interviews, podcasts, YouTube videos, this thing is fantastic. मुझे लगता है I can do a full podcast episode in the middle of the park and this will still make me sound clear. It's that good. And yeah, I have been blown away with this thing. तो recap कर लेते हैं हम। This tiny mic, the Hollyland Lark M2, is a tiny, lightweight mic that delivers pro level sound. It's super easy to use. Has crazy long range, noise cancellation, and works with both phones and cameras. And did I mention it enough? How good it looks? No wires getting tangled, no bulky gear, just you, your voice, whatever content you're making, and voila. So, is this mic worth it? Is the Lark M2 worth it? Yes, yes. Who doesn't want to sound professional? Who doesn't want to sound clear without putting in the extra effort? This is so low effort, that's the thing I love about the most. Just plug it and boom, you're ready to go. If you're like me and don't know how to set up good audio, don't have a sound treated room and just want something ready to go, this thing might be your new best friend. I'm telling you, this is amazing. Now, don't forget to like and subscribe. That's it for now. If you have any questions or want me to do some tests with this mic, let me know in the comments. Till next time, happy recording.